और स्नो स्टार्ट हो चुकी है गाइस, इसको बोलते हैं स्नोफॉल। ये कंटिन्यू चलता रहा तो कल हमें बहुत तकलीफ हो सकती है। भैया 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 ये ले लो भैया, बिस्किट ले लो भैया 20 रुपए के। तो रात को तो भैया की कप कभी निकल गई। पहले मंगाया हमने हीटर, हीटर के बिना नहीं सो सकते। कप कभी नहीं निकली मेरी, झूठ नहीं बोल रहा। वो तो इसलिए हीटर मंगाया जो रजाई थी इतनी ठंडी थी कि लगी भी नहीं थी वो रजाई है। वो ठंड है यार, मतलब रात को टेम्परेचर फॉल्स टू अप्रोक्स 3-4 डिग्री। पूरा मौसम ठंडा यार। ये देखो बाहर बारिश आ रही है और ये हमारी गाड़ियाँ बस फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी होते हैं, फिर निकलते हैं आगे। यहाँ तो कुछ देखने के लिए है नहीं कुफरी में ऐसा कुछ, और एक दो बार पहले घूमे भी है। तो मेन हमारा आज का डेस्टिनेशन रहेगा कल्पा, तो कल्पा चलते हैं और वहाँ मिलते हैं, वहाँ दिखाते हैं आपको नज़ारे कितना वहाँ है देखने के लिए। हमारी टीम का वो मेंबर है जो खाना खत्म होने के बाद आता है, ये देख लो कल सबसे पहले ही आया था। कहाँ आगे जा चुका मैं तो, रेडी था अब और क्या, ब्रेकफास्ट हो चुका है बिल्कुल। अच्छा सालो तुम सारे बेकार हो। और ये सबसे मतलब अगर आप पहाड़ों में हो ना तो सुबह 10 मिनट पहले लगा के ये काम जरूर कर लेना। ये देखो गाड़ी की हालत ऐसे लग रहा है ट्रैक्टर, शिवम ऐसे लग रहा है ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ भाई। 3 डिग्री भाई, ये बारिश रात से नहीं रुकी यहाँ पे, मस्त मजा आ रहा है बारिश में। तो करो तुम्हारा भाई तो हो गया रेडी, नीचे थर्मल ऊपर लोअर वॉर्म लोअर, नीचे भी एक थर्मल ऊपर एक ये और उसके ऊपर जैकेट। अभी तो भाई जैकेट भी बाहर रखी गई है इमरजेंसी के लिए, क्योंकि तो भाई जिस जगह हम जा रहे हैं ठंड का कोई भरोसा नहीं है। स्नोफॉल वैसे आज की लिखी हुई है तो हो भी सकते हैं, आई होप सो हो जाए तो मज़ा ही अलग आ जाएगा। तो फटाफट से पैकिंग करके नीचे निकलते हैं और निकलते हैं अपने के रास्ते पर। अभी थोड़ी देर पहले मौसम और अब में फ़र्क देख लो कितना है, मतलब जब हम सुबह उठे थे इतनी ठंड थी, ठंड अभी भी है लेकिन उस टाइम पे पूरी बारिश हो रही थी झमाझम, और अब एकदम से धूप निकल आई और अब का नज़ारा और जो फोटोज आने वाली है ना चक्का जाएगी। इंस्टाग्राम पे देखना, नहीं फॉलो किया तो चेक कर लो। ये देखो नज़ारा भाई साहब, क्या मस्त नज़ारा है ना। हम जो हमारी प्रॉपर्टी है जहाँ हम रुक रहे हैं काफ़ी हाइट पर है, मतलब ये मेन रोड से ऊपर ही है और हाइट पर भी काफ़ी आ गए हम लोग। तो अभी फिलहाल अपनी दोनों गाड़ियां रेडी हो गई है, हम लोग अब निकल रहे हैं अपने आगे की जर्नी के लिए, जो कि आज की हमारी जर्नी रहेगी अप्रोक्स 200 किलोमीटर की, और हम सीधा पहुंचेंगे कल्पा। और कल्पा पहुंचने से पहले रास्ते में आएंगे 2-3 बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त पॉइंट, तो उनको कवर करेंगे और मज़े करेंगे। आपके तो मज़े आ गए भाई का मज़ा तो आ गया भाई का तो मज़ा आ गया भाई के चेहरे पे खुशी दिख रही है ना, अलग से झलक रही है यार। ये भाई है वो जिसको हम बिना तैयारी के लेके आए हैं, इस भाई के साथ सीन बहुत गंदा हुआ है भाई, गंदा सीन है भाई। इस भाई को मतलब इसके रूम से इसका वॉलेट भी नहीं उठाने दिया भाई, इसको ऐसे उठा के ले आया भाई। और ये हमारा थार का ड्राइवर, ड्राइवर नोटा ड्राइवर ओनर है ना थार का भाई, मिला भाई साहब पारस मलिक अंडरवेट पारस। इस भाई का भी इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगा, बहुत मस्त रील डालता है। और इस भाई का अपना खुद का होटल है मनाली में, जाना चाहो तो कॉन्टैक्ट इन। चलो चलो ओए बस सुबह भाई आज नहा लिए जो हम नहा लिए, अब इसके बाद हम 4 दिन बहुत मुश्किल है हमारे लिए नहाना। सही बात है भाई, मैं फ्रेश होके आया हूँ, हिम्मत नहीं हो पाएगी ना। हिम्मत यार मतलब ये जो 2 लेयरिंग है ये उतरनी नहीं है बॉडी से 2 दिन, तो 3-4 दिन बात क्या है जी, बात तो नहाने की नहीं है, बात गर्म पानी की भी नहीं है, बस ये उतारने की बात है। हाँ पानी तो मिल जाएगा, लेयरिंग बढ़ेगी कम थोड़ी होगी, कम नहीं होनी है भाई। अपन लोग अभी फुल पैक हो गए निकले हैं, क्योंकि जिस जगह जा रहे टेम्परेचर तो भाई मस्त होने वाला है वहाँ पे, और यहाँ से ड्राइव हो जाएगी 200 किलोमीटर की, करीबन 8 घंटे तो लग जाएंगे, 6 घंटे हैं। आगे का रास्ता आप मेरी रील्स में देख सकते हैं, फॉलो करें बॉन्डर ऋषि को, देख लो प्रमोशन कैसे चल रहा है भाई। मतलब वहाँ पहुँचने तक का जो रास्ता है ना, वो एक रील देखते हो ना मजा, जगह का नहीं सफर का है, तो ये सफर है ना जो ये है मस्त। विंटर स्पीति ना मेरे लिए एक ड्रीम था, क्योंकि मैं विंटर लद्दाख करके आया था, तब से मेरे को पता लगा कि ना विंटर स्पीति इससे भी फाड़ू जगह है, तो तब से वो था और ये फिलहाल फाइनली ड्रीम कम ट्रू हो रहा है। एक साल से प्लान ही बन रहा था ये भाई जानता है, ये हर साल मतलब साल में 4 बार जाता है, सीजन में 4 बार जाता है, तो मैं हर बार इसकी रील्स देख के ना मैं यार मैंने भी जाना है। तो फाइनली हमारा प्लान बना और हम
अपने रास्ते पे निकले हुए हैं। तो भाई अभी थियोग में रुके हैं मार्केट में कुछ कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास भी पूरे नहीं है और एक भाई के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। तो यहाँ पे देखते थोड़े से कपड़े और कुछ शॉपिंग यहाँ पे हिमाचली भी हो जाए, मजा आएगा। ओ भाई पूरा अंदर से फर्क आया, ये तो फर है पूरा। भाई ये फर वाली जैकेट मिल गई 100 रुपए की, है ना मस्त। एक लोअर भी ले लिया तुम्हारे भाई ने, कार्गो लोअर, ये आगे जाके जरूरत पड़ेगी इसकी। तो अभी के लिए फुल तगड़ा स्टॉक है भैया। पिंक लो भैया, पिंक लो, पिंक पिंक लो, पिंक 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 पीछे पिंक बेबी भाई, भाई का सेम हो जाएगा। ये भाई सारी शॉपिंग यहीं से कर रहा है अपनी। यही कर रहे यार, रेट किसी को बताना नहीं है। यापी का साइज पक्का इसके नीचे राज की बात है। कितना है? अरे 100 का है, 200 वाला 100 में है। तो टाइम हो रहा है 2 बजे का और हमने ब्रेक लगाई। हमारे आगे जो गाड़ी जा रही थी ना थार वाले दोस्त, उनका फ़ोन आया कि ना जल्दी आ जाओ, मैकडी पे रुके हुए हैं हम। हमारा बंदा गाड़ी फुल तेज और लाके पता है कौन से मैकडी पे रुका, मैकडी मैकडी। ये देखो ये बाद में बोल रहा कि ये पहाड़ों का मैकडी। तो बस यहाँ ब्रेक लगाई, अभी 2 बज गए, मैगी वगैरह कुछ लेंगे और फिर आगे नॉन स्टॉप निकलेंगे आगे के सफ़र पर, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है और ठंड शुरू हो गया भाई। ठंड गाइस, ये मेरे को बोल के लाया कि स्पीति लेके जा रहा हूँ, मेरे को ऋषिकेश ले आया। ये देखो ये नीचे रिवर राफ्टिंग हो रही है, देखो ये भाई फूतिया बना गया मेरा। ये नीचे देखो पत्थर से पानी सा चल रहा है साथ में, शिवपुरी ले आया भाई। नजारे चेक करो गाइस, नजारे और ऐसे और भी मस्त मस्त नजारे लेने हैं तो इंस्टाग्राम पे जाके देखना भाई। क्या कह रहे, चांस है स्नोफॉल का? हो ही जाए फिर तो। 54 किलोमीटर लॉन्ग वे टू गो, बहुत अभी तो बहुत दूर जाना है, बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कब तक पहुँचेंगे ये ही नहीं पता भाई, घर से फोन आ रहा है कब वापस निकलोगे, मैं कहा अभी पहुँचे तो सही है। जहाँ जाना है भाई जगह बहुत दूर है। और ये रामपुर शहर की मार्केट, भैया 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 ये ले लो भैया, 20 बिस्किट ले लो भैया 20 रुपए के। भैया भैया प्लीज भैया भैया, अगर मेरे घर छोटे छोटे बच्चे, मेरे घर छोटे छोटे बच्चे, उन्हें शराब पिलानी हो भैया प्लीज लगा। राइट नाउ इन रामपुर और अभी अभी नाम आ गई एक बहुत मस्त जगह, बहुत मस्त बात पता लगी। तो ये बीच में रिवर, हम ही अभी खड़े हैं शिमला में और ये रिवर के उस तरफ वाला एरिया ना जो वो कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली बोलते हैं। तो अपन फिलहाल ऐसे सामान तो भैया गजब बना रहे, पर धोखेबाज है बिल्कुल। इतने सारे गोलगप्पे थे, सारे पहले कन्याओं को खिला दिया, हमारे लिए कुछ नहीं बचाया, हमारे पानी नहीं पिला रहे हमें भैया। हम अच्छा हम लवारिस है, वाह भैया वाह यार कमाल। ये बात बाकी इस हिसाब से जो आपने आज हमें फील कराया ना, हमारी मर्द जात की कोई ज्यादा खासा इज्जत रखी नहीं आपने, यही आप 2 गोलगप्पे हमें खिला देते हैं। हाँ हमारी टिक्की बनेगी आज की डेट में भाई, हमने भी बहुत दूर जाना है। नजारा देखो गाइस, और हम वहां से आए हैं, अभी वहां से हम लोग आए हैं और अभी व्यू मस्त है यार। यार ये सारे जो इतना ट्रेवल कर रहे हैं ये सिर्फ हम व्यू के लिए जा रहे हैं, व्यू के लिए जा रहे हैं और कुछ है ही नहीं। घंटा वेट करने के बाद ये लोग आए हैं, ये हमसे मतलब हमेशा ये गाड़ी 1 घंटा लेट चल रही है इस गाड़ी से। ये ड्राइवर थोड़ा इसका कच्चा है अभी, थोड़ा पहली बार आया ना यहाँ पे इसलिए उसको लग रहा है ऐसे। भाई शर्मा मत यार, क्या हो गया यार, हम तेरे को लेके चलेंगे घुमा के लाएंगे यार, घुमा के लाएंगे कोई बात, हमने वेट करा है, हम आगे भी वेट करेंगे तेरा, चाहे अभी आधा घंटा वेट करना पड़े। हम पीति वाली जा रहे हैं। हाँ अच्छा स्पीति सही से लगा ले भाई। नजारा देखो यार क्या मस्त नजारा है, स्पीति जाने का तो सिर्फ नजारा ही है जो हम लूट सकते हैं सिर्फ, और तो कुछ ऐसा है नहीं। बढ़िया मस्त यार, और हमने जाना है वहाँ पे, ये रोड ऐसे 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 वहाँ पे
वेलकम टू किन्नौर। पहुंच गए बहुत मशक्कत के बाद। अभी तो और आगे जाना है, अभी तो रास्ता नहीं खत्म होया भाई। पता ही नहीं कब तक पहुंचेंगे। बस ना नहीं यार, खत्म ही नहीं हो रहा। पहाड़ बदलते जा रहे, पेड़ बदलते जा रहे, जज्बात बदलते जा रहे, हमारी डेस्टिनेशन नहीं आ रही बस। और दूर से ना बर्फ दिखती है, उसको देख के लगता है हाँ सही जा रहे हैं। दिल को ठंड पड़ रही है, इतनी दूर जा रहे हैं। पोस्ट आता है कि यहाँ पे भाई अगर आप गंदी गंदी चीजें ला रहे हो तो भाई पहले ही दिखा देना, नहीं तो भाई पकड़े जाओगे। क्या लेंगे आप, लेके जाओ। ओह धन्यवाद। ये चिटकुल है इधर, ये कल्पा। अच्छा इधर है, थोड़ा ही मैप के हिसाब से तो थोड़ा है रास्ता ना। वैसे कितना मैप के हिसाब से तो दिल्ली और डिस्टेंस देखने जाओ तो बोर्ड लगी है। अच्छा अगर जूम आउट करेंगे मैप के हिसाब से यूएसए भी बहुत कम है। पूरा नाम लिखा पड़ी चल रही है। अभी देख लिया भाई वाटरफॉल देख ली, वो देखो है तेरे लिए गाड़ी ले चले। तो भाई ये है वो इंस्टाग्राम प्लेस किन्नौर की एंट्री। ओ भाई साहब वो देखो पीछे दूसरी गाड़ी रुक गई ना, वैसे ही लेट आते हैं और कुछ नहीं है। सिर बचा के सिर नीचे कर लो। हाँ ठीक है। हम लोग है कोई रिकोंग पियोंग ऐसे रिकोंग पोंग जगह है कोई, वहाँ पे है उसकी मार्केट में। अभी थोड़ा बहुत सामान ले रहे हैं अपने लिए क्योंकि जहाँ हमारा होटल है वहाँ तो हमें कुछ मिलने नहीं वाला। और टेम्परेचर अभी इस टाइम पे है यहाँ पे -3 degrees और हल्की हल्की फुहार हो रही है। और वो फुहार थोड़ी देर में अगर हमारी किस्मत अच्छी ना तो वो स्नोफॉल में बदल जाएगी। थोड़ी शॉपिंग हमारी रात के लिए, रात को भाई ठंड है यहाँ पे तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हुई है हमारी। अभी तो बस सब फटाफट से यहाँ से 2-3 kilometers दूर है, वहाँ चलते हैं हम चेक इन करते हैं और रेस्ट करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा चिलम करेंगे। चिलम तो वहीं पे है। और ये गृह प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। बहुत ही ज़्यादा लंबे सफ़र के बाद पहुँचे हम कल्पा। कैसा है जैकेट का एक्सपीरियंस बताओ भाई। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है यार, ठंड नहीं लग रही। और डेढ़ सौ वाली कैप ये तो एक नंबर, डेढ़ सौ रुपए एक नंबर की कैप है यार। इसमें तो मतलब कार ही लाती है अभी भाई। मस्त एक्सपीरियंस था रोड्स का जो था ना, बस यहाँ आने का ना सफर ही मस्त है तो बढ़िया एंजॉय करता है। और बाकी एंजॉयमेंट हम अब करेंगे महफिल लगा के। अभी तो फन होगा। प्रे कर रहा था अगर मेरे थोड़े से भी पुण्य बचे ना उनको रिडीम करके स्नो में कन्वर्ट करते और भगवान ने सुन ली और स्नो स्टार्ट हो चुकी है। स्नोफॉल दिखा दी ना स्नोफॉल। जे भाई बहुत शर्माता है स्नो से। अरे नहीं भाई मैं नहीं शर्माता। आप देखो आप ब्रेजा में चल रहे हो विदाउट स्नो चैन के, मेरे पास तो 4x4। तो मैं तो कल थार में जाऊंगा, एक एक दिन शिफ्ट हो रहा है ना। मैं तो जा ही नहीं रहा, मैं तो कल का ही स्टे करूंगा ना 4 दिन। ओ भाई साहब गाइस इसको बोलते हैं स्नोफॉल। देख रहे हो नीचे भी देखो, और नीचे पूरा ग्राउंड इस टाइम वाइट हो चुका है। और ये कल हमें बहुत तकलीफ भी दे सकता है अगर ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहा तो। कल हमें बहुत तकलीफ हो सकती है आगे जाने में, तो ये होप्स तो थोड़ा ही रहे और होप्स तो इतना ही रहे कि हमारे होटल पे ही रहे। तो भाई फसूल हो गया यार। थैंक यू गॉड। देखना था यार बहुत मंद है क्योंकि हम -5 degrees में इस टाइम, और यहाँ भी अगर स्नो ना मिला तो यार क्या ही फायदा बताओ, है ना। बिल्कुल मजा आ गया देख के भाई। अपने को एक चीज़ का बहुत सही बेनिफिट मिला अब तक हम जहाँ भी रुके ना, खाना बहुत अच्छा अरेंज कराया भाई ने, बहुत अच्छा। मतलब जहाँ भी हमने स्टॉप लिया जितनी भी जगह के ना, बिल्कुल भाई कल भी खाना बहुत अच्छा था, आज भी भाई खाना बहुत अच्छा है। थैंक यू बड़ी यार, खाना अच्छा नहीं होता ना इंसान को सुबह से खराब होता है। ये बात है, ट्रिप का यार आधा मजा तो वहीं पूरा होता अगर खाना अच्छा मिल जाए तो। पब्लिक हम देखेगी ना जरा। गाइस ये चेक करो भाई अपना, पता क्या कल्पा आना सक्सेसफुल हो गया भाई। उस टाइम थोड़ी बहुत स्नोफॉल हुई फिर रुक गया, हम लोग खाने के लिए बैठ के अंदर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन एकदम भाई बोला कि ना भाई स्नोफॉल बहुत, और भाग भाग के आए और ये नज़ारा देख रहे हैं अब हम। ये देखो यार स्नोफॉल हो गया अपना। बस ये सुबह तक होता रहे ना तो मज़ा आ जाएगा। है मज़ा नहीं आ जाएगा भाई सारी रोड। हाँ सुबह थोड़ी सी हमें